स्टूडेंट इन दिस फोर्थ पार्ट दे आर टेलिंग अस अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड एक जैसी बनी है, चेंज नहीं हुई. इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब जिस स्पीड से वो अभी चल रही है, अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए, लेस हो जाए. ओके, फोकस ऑन द वर्ड्स लेस. देन इट वुड हैव टेक 3 मोर आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस. तो उस ट्रेन को सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 और घंटे लगेंगे, 3 मोर आवर्स. ओके, टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन. हमें ट्रेन की स्पीड पता लगानी है, तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो दिमाग में रख के बनानी है कि इट शुड बी रेडी इन सच अ वे कि इफ वी सॉल्व दैट इक्वेशन वी शुड गेट द वैल्यू स्पीड ऑफ ट्रेन. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले हम ले लेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर. ये हमने सबसे पहले कंसिडर कर लिया कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर. ओके, अब डिस्टेंस दे दी 480 किलोमीटर. जनरल फॉर्मूले सबको याद होना चाहिए, बट स्टिल आई हैव रिटन. स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम के लिए होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड. फिर आपका आ जाएगा देयरफॉर टाइम टेकन. डिस्टेंस ऊपर है और टाइम नीचे, तो डिस्टेंस तो 480 आ गई, टाइम एक्स आ गया. तो आज न्यू स्पीड, नई स्पीड. अब नई स्पीड हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब जो भी आपकी स्पीड है उससे 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो. लेस हो मतलब कम. तो अगेन हमने यहाँ पे क्या करा, x में से 8 माइनस कर दिया, ये हमारी नई स्पीड हो गई. अब जब x और डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, तो न्यू टाइम टेकन कितना हो गया, 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स. ये हमारा नया टाइम हो गया. डिस्टेंसेस सेम, स्पीड जैसे ही हमने चेंज करी, जो टाइम हमको लग रहा है डिस्टेंस कवर करने के लिए, दैट विल चेंज. नाउ लेट्स सी, वी विल राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. यहाँ लिख दिया अपन ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर हमने स्पीड कम कर दी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब जो न्यू टाइम है वो ज़्यादा है और पुराना टाइम कम है, और दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3. क्योंकि उस क्वेश्चन में लिखा है इट विल टेक 3 आवर्स मोर. अगर हम स्पीड कम कर देंगे तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे. दैट मीन्स न्यू टाइम में से अगर हम माइनस कर देते हैं ओल्ड टाइम, तो हमारा आंसर आएगा, मतलब इट शुड बी इक्वल टू 3 आवर्स. दोनों टाइम्स के बीच का डिफरेंस होगा 3 आवर्स. ये हमारी हो गए. अब देखिए यहाँ पे x डिनोमिनेटर्स में आ रहे हैं विच कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, तो हम LCM ले लेंगे. LCM का इजी तरीका है, क्योंकि वेरिएबल फॉर्म में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते. इस x का इससे मल्टीप्लाई करा तो 480 इंटू एक्स आ गया, माइनस 480 ब्रैकेट में ये इधर चला गया तो आ गया x माइनस 8, और डिनोमिनेटर में दोनों का प्रोडक्ट आ गया, मतलब x मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 8 x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3. अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इट्स नॉर्मल इक्वेशन जिसको हम बिल्कुल प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो वी विल रीच टू दी आंसर. हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है वी आर टेकिंग इट देयर, ये वाली चीज हम यहाँ ले जाते हैं और माइनस 480 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी दे तो एज इट इज ही आ जाएगा 480x माइनस, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 480x, इधर माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3840 इज इक्वल्स टू, ये दोनों यहाँ चले गए 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो 3x और x माइनस 8. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है देखिए 480x और ये 480x x प्लस में एक माइनस में, तो इट कैन बी इजली कैंसिल, ये हमारा एज इट इज आ जाएगा इक्वल में. इसको इससे और इसको इससे, एवरीबडी नोज इन 10th क्लास यू शुड नो. तो 3x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 हो जाएगा 24x. अब ये देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही, तो हम क्या कर रहे हैं, वी विल कीप दिस एज इट इज, और ये इधर प्लस में था, ट्रांसपोज इट देयर, माइनस इक्वल में एक तरफ आ जाएगा 0. नाउ सम स्टूडेंट्स विल स्टॉप हियर, यहीं रुक जाते हैं कई बच्चे, बट आई सजेस्ट कि इसको जितना सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर लें उतना बेटर रहेगा. तो अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये 3 की टेबल में आता है, 24 3 की टेबल में आता है, और डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के देखें तो 3840 भी 3 से डिविजिबल है, मतलब हर टर्म, एवरी टर्म इज डिविजिबल बाय 3. तो 3 या तो हम कॉमन ले लें, या वी कैन डू डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय
3 बोथ साइड LHS एंड RHS, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 3 हट गया तो 8x आ गया, और यहाँ पे भी 3 हटा लिया हमने तो 1280 इज इक्वल टू, अब किसी को 0 से करेंगे तो आंसर विल कम 0 ओनली। तो ये हमने सिंपलर फॉर्म में इक्वेशन रिड्यूस कर दिए, सो दैट इस क्वेश्चन में तो यही तक करना है, बट सपोज किसी और क्वेश्चन में हमें फर्दर सॉल्व करना पड़े तो जब इक्वेशन सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है तो इट बिकम्स इजी टू सॉल्व, एंड दस वी विल राइट कि दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारा आंसर है, इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्लियर।